इस उड़ीसा प्रदेश के एक छोटे से गांव में मानो कोई नीलकंठ वर्णी की प्रतीक्षा में था। जयराम भैया, उन्होंने कहा कि संसार व्यवहार के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपनी चित्त की वृत्ति भगवान में रखे रहोगे तो आपका गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ होगा। यानी कि परिवार के सभी लोगों के साथ प्रेम भाव से रहो, अपने हर कौटुंबिक और सामाजिक जिम्मेवारी को निष्ठा पूर्वक निभाओ, परंतु उन सब की मोह माया में लिप्त ना रहते हुए केवल भगवान में ही आसक्ति रखो। ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई? बाल योगी नीलकंठ वर्णी ने पिताजी, वे सन्यासी बाबा के मंदिर में ऐसा उपदेश दे रहे थे। तो तुम दोनों उन्हें हमारे यहाँ लेकर क्यों नहीं आई? पर माँ, उन्होंने तो आँख उठाकर हमारी ओर देखा तक नहीं, तो हम उन्हें कैसे बुला लाते? क्या ऐसे पवित्र बाल ब्रह्मचारी हैं वो? चल जयराम, उन्हें हमारे घर पर ले आते हैं। चल चल। ये कमल ककड़ी लीजिए, ताजी हैं। ये जयराम और मैं कृष्ण तंबोली, हम दोनों रोज ताजी कमल ककड़ी लाते हैं। दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए भी प्रभु भक्ति में लीन रहा जा सकता है और ऐसी निरंतर भक्ति करने से बुद्धि शुद्ध होती है। कलौ कीर्तनात्, कलियुग में भजन भक्ति से भगवान का सानिध्य मिलता है। रोज इतनी ताजी कमल ककड़ी कहाँ से लाते हो? क्या मुझे भी उस जगह ले चलोगे? हाँ, आज शाम को ही चलेंगे। आपको हमारे साथ बड़ा मजा आएगा। चलो नौका विहार करके उस किनारे तक जाकर वापस आ जाते हैं।
इस समय इस डरावने वन में जाना उचित नहीं होगा। हाँ, बहुत डरावनी जगह है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं नीलकंठवर्णी, और हमें कहां ले जा रहे हैं। ये तो भालू की आवाज है। हे भगवान, डरो मत, मैं हूं ना, चलते रहो। नीलकंठ, नीलकंठवर्णी, ये भालू हमें मार डालेगा। नहीं, कुछ नहीं करेगा, शांत रहो, चिंता मत करो। शांत हो जाओ। हाँ? ये कैसे हो सकता है? हाँ? चिंतित मत रहो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। हाँ? अब जाओ। चलो, हो गया, अब वापस घर चलते हैं। हाँ, जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से भाग निकलते हैं, जल्दी यहाँ से भाग निकलते हैं। हाँ, भागो, भगवान, कहीं वो भालू वापस ना आ जाए।